गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम कीर्ति है, मेरा व्लॉग का नाम है साई कीर्ति। आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हाय, वेलकम बैक। थोड़ा चाय पी लिए हैं एक बार फिर। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सब्जी लेके आ गए हैं। अभी दोबारा चाय पी के थोड़ा फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है मन। अभी चले घर की साफ़ सफाई करें, काम वाली झाड़ू पोछा करके चली गई है। अभी मेरा काम है सबको ये करने का। देखिए ये हैंगर पे सारे कपड़े धोने वाले टांगे हुए हैं, फिर ये बेड में फोल्ड करने वाले हैं, धोने वाले अलग हैं, बेड भी सब ठीक करना है। अभी थोड़ा धूप निकला है तो थोड़ा अच्छा है। मेरा ऐसे ही तबीयत में क्या होता है ना कि जब वर्टिगो चालू होता है ना तो मेरा खड़ा नहीं हुआ जाता है, बैठा नहीं जाता है, सो जाओ, तो इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बैक पेन मेरा, वो पीछे गर्दन से नस खींचता है तो वो पूरा बैक तक पता चलता है, तो उस वजह से पता चलता है कि कितना मेरे को अंदर से कोई खींच रहा है। तो ना खड़ा हुआ जाता है ना बैठा जाता है, लेते रहो। देखिए आज कैसे सूजन आ गया फेस में। कल तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, रात को मेरे हस्बैंड ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, और बेटा भी सुबह का ही थोड़ा सा खाया हुआ था, तो बोले मंगा लो, मेरा हिम्मत नहीं है अभी खड़े होकर कुछ बनाने का। अभी ठीक है तो थोड़ा अब काम करूँ खाना। आज तो दाल चावल ही बनाऊँगी और सूखी आलू की सब्जी। मेरा बेटा बोला दाल फ्राई बनाने, तो वही अभी ट्राई कर रहे हैं बनाने का, और कुछ नहीं। चलिए थोड़ा घर फैला हुआ समेट लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए इतनी सारी सब्जियाँ, धनिया, मेथी, लौकी, टमाटर, मटर सब आया है, आलू, प्याज, अभी सब अरेंज करना है। इसमें हम दाल फ्राई बना रहे हैं, दाल फ्राई राइस आलू की सूखी सब्जी बनेगी। तो ये हो गया है, अब इसमें दाल डाल देते हैं। प्याज जल गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा निकाल दे। बाथरूम भी क्लीन हो गया, भगवान का कपड़ा भी जल जाता है। मेरा बेटा दाल डाल रहा है, अभी ठीक नहीं तो सब मेरा थोड़ा थोड़ा हेल्प करा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। इतना सारा सब्जी लाए हैं, वो भी अरेंज करना है। दाल फ्राई चावल आज यही है मेन्यू, सूखी आलू की सब्जी। गाढ़ा हो गया, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। दाल फ्राई हो गया है, बस एक उबाल आएगा तब इसमें गरम मसाला हल्का सा डाल देंगे और धनिया पत्ती काट के डाल देंगे, और चावल कुकर पे ही बना देंगे, दो सीटी में हो जाएगा। चावल पहले से धो के रख दिए हैं और वो दो सीटी में बन जाएगा। और रहा सब्जी का, तो वो तो क्रिस्पी बनाना है, आलू की सूखी सब्जी, तो वो क्रिस्पी बन जाएगी। देखिए इसको कैसे काट के रखा है मैंने, इस टाइप से लंबा काट के रखा है, फटाफट हो जाएगा, धो दिया है। इतनी सारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, लाल लाल टमाटर, ये है कैप्सिकम, मेथी के पत्ते, धनिया के तीन, बहुत सस्ता मिला 3 बंच धनिया के। बाकी सब्जी मार्केट में उतना नहीं आया था, ये सब ग्रीनरी था तो ये ले आए हैं। अब ये सबको हमें काट कूट के डब्बे में, प्लास्टिक में, किसी में भी पैक करके रख दूंगी। आलू प्याज आया है, सब आया है घर को। अभी धीरे धीरे सफाई कर दिया, देखो मेरा बेटा बैग में यहीं डाल दिया। ये एकदम इसका टेबल है, स्टडी टेबल साफ नहीं किया है। यहाँ पे भी कपड़े फोल्ड करने वाले रखे हुए हैं, वो करूँगी। ये धोने वाले कपड़े हैं, ये अलग करना है,
संडे है तो संडे धीरे धीरे काम होगा। आज थोड़ा तबीयत ठीक है, तो धीरे धीरे काम चलेगा। आज संडे है तो वैसे भी आराम से धीरे धीरे करूँगी। नहाऊंगी थोड़ा लेट से, सब बारी बारी नहा ले। मेरा अभी आधा काम में भी से थोड़ा सा चालू हुआ है, थोड़ा लेट से नहाऊंगी। देखिए ये कपड़े फोल्ड करने बाकी हैं, करते हैं थोड़ी देर में। धोने वाले कपड़े मशीन में डाल दिया है, सब बारी बारी नहा के निकलेंगे। हम तो लेट से नहाएंगे क्योंकि थोड़ा सब काम आधा निपटा लूँ उसके बाद नहाऊंगी। संडे है तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे को आराम से धीरे धीरे नहाना है सब काम निपटा के। एक्चुअली अभी क्या है ना, हम सोचे कि खाना बना लें उसके बाद नहाने जाएंगे। खाना में मेरा दाल फ्राई हो गया, अभी एक काम हो गया है। आलू की सब्जी बनाना तो आलू काट के रख लिया है, चावल कुकर में फटाफट बना लेंगे। नाश्ता नहीं बना रहे डायरेक्ट यही, और दही चूड़ा है, दही चूड़ा खाना होगा जिसको दही चूड़ा खाएगा, और फिर डायरेक्ट जिसको खाना खाना है खाना खाएगा। मेरा बेटा का ट्यूशन कैंसिल हो गया एक है, तो वो खाना खा के जाएगा। फिर बोला है दोपहर में पतंग उड़ाने जाऊंगा। अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से काम चालू करें। अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, जैसे कल तबीयत बहुत बिगड़ गया था, लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ। चलिए करते हैं, करना तो पड़ेगा, करती हूँ। चावल हो गया है कुकर में, यहाँ आलू फ्राई कर रहे हैं। इसको भी मैं आपसे थोड़ी देर खुला रख के फ्राई करूँगी जिससे कि थोड़ा क्रिस्पी हो। उसके बाद नमक में मसाला डाल के थोड़े देर ढक के बनाऊँगी। ये मेरा लिट्टी वाला कुकर है, इसका भी रखा नहीं अंदर क्योंकि इसमें एक बार लिट्टी बनाऊँगी उसके बाद रखूँगी। चलो सब्जी सबको समेटूँ, सबको अपने अपने जगह पे रखो। देखो मुरझाने लगे इसको खोल खोल के, ये कर दी जिससे कि ये फ्रेश रहे। पेपर में रैप करके बांध दूंगा। थोड़ा आगे करूँ, देखो पतंग पूरा पतंग ही पतंग है। ये सब अपनी अपनी जगह उड़ के भाग जाएंगे, तभी मेरा ये खाली होगा। मौसम अच्छा, अभी धूप निकला है, थोड़ा कड़क लग रहा है लेकिन हवा है। ओम खिड़की बंद कर दो बेटा, ठंडी लग रही है हवा। यहाँ ठंडा ठंडा होता है ना, बहता है तो ठंडी का महसूस होता है गुजरात में, वरना ठंडी तो है नहीं यहाँ पे उतनी जितने यूपी बिहार में पड़ती है। वहाँ में तो बाप रे माइनस तो नहीं है, 4 डिग्री 3 डिग्री जितना ठंडी है। माइनस तो शिमला जाओ मनाली जाओ वहाँ मिलेगा। हमको बर्फ़ देखने का बहुत शौक है इस सीज़न में ना, जब बर्फ़बारी होती है ना तो वहाँ जाने का बहुत मन है। इनको बोला है मेरे हस्बैंड को कि एक बार हम लोग बर्फ़बारी देखने जाएंगे, तो बोलते वहाँ तो तुम निकलोगी ही नहीं, बर्फ़बारी देखने क्या जाओगी, ठंड से ठिठुर जाओगी। लेकिन एक बार तो ज़रूर देखेंगे, जहाँ भी जाना है शिमला जाएंगे मनाली जाएंगे, जहाँ बर्फ़ गिरता है इस सीज़न में। मैं नहा के आ गई, खाना भी रेडी हो गया है, फटाफट मैं नहा के आई हूँ खाना सारा रेडी करके, क्योंकि अभी 12:30 हो गया है तो भूख लगी सबको। कस के नाश्ता किसी ने नहीं किया, अब चलते हैं खाने, दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। मेरा खाना मैंने प्लेट में तैयार कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। ये मेरा आज का खाना है, चटनी पनीर भुजी आलू की सूखी सब्जी सलाद दाल तड़का राइस। अभी गरम गरम खाएंगे, गरम गरम खाना खाना तो पड़ेगा। 12:30 हो गया है, नाश्ता करना का टाइम ओवर। चलो खाने, लोग पतंग के पीछे पड़े हैं। पतंग आज के संडे है तो आज भी पतंग उड़ाएंगे सब मस्ती से। चलो खाना खा लो फिर ठंडा हो जाएगा।
देखिए खाना सबका हो गया। खाना खाने के बाद अब थोड़ा सा ये जो ग्रीन सब्जी लेके आए थे वो साफ करने बैठी हूँ। देखिए ये इसका जड़, पालक मेथी का जड़ और धनिया का जड़ काट दिया, अब साफ करने बैठी हूँ। ये मटर है ये छीलूंगी, और साथ में बैठे बैठे टीवी भी देख रहे हैं ये लोग। खाना मेरे हस्बैंड और बेटा खाना खा के छत पे गए हैं पतंग उड़ाने। आज भी संडे है तो सैटरडे संडे दो दिन मिल गए इन लोग को, तो दोनों गए खाना खा के छत में पतंग उड़ाने। हमने जब तक ये लोग पतंग उड़ा के आएंगे तब तक मेरा ये ग्रीन सब्जी मेथी का सफाई हो जाएगा, धनिया का सफाई हो जाएगा। उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं वो धो के मेरा दोपहर का काम ख़त्म हो जाएगा। कपड़ा सुखाना बाकी है, लेकिन अभी एक लॉट कपड़ा सूख रहा है। विंटर में मेरे बालकनी में धूप नहीं आता है, हवा है तो सूख जाएगा, तो आधा घंटे के बाद वो कपड़ा दूसरा डालेंगे, वो वाला निकाल के दूसरा डालेंगे। तब तक ये मेथी सफाई कर लें, मूवी देखते देखते फिर आज शाम का खाने का भी तैयारी करेंगे आराम करने के बाद। संडे में ये शाम को जाना था हम लोग को शॉपिंग करने थोड़ा, लेकिन देखते हैं ये लोग पतंग उड़ा के कितने बजे घर आते हैं। घर आने के बाद ही, और उस बीच मेरा तबीयत क्या रहता है क्योंकि बैक पेन हो रहा है तो पीछे में कुशन लगा के बैठी हूँ और उसी में टेक टेक के सफाई कर रही हूँ। ये करने के बाद फिर देखते हैं दूसरा क्या काम होता है। फटाफट चाय बनाऊंगी और उसके बाद फिर सब्जी में, आज सब्जी बनाने वाले हैं लौकी और चना दाल की सब्जी रोटी। सुबह तो बताया था दाल चावल बन गया था, अब बनाते हैं सिंपल लौकी और चने दाल की सब्जी रोटी। अगर ये लोग मतलब तैयारी करते हैं, अगर इनके फ्रेंड लोग खाएंगे तो फिर कुछ और बनाएंगे। पनीर की सब्जी अच्छा नहीं लगता गेस्ट को, लौकी की सब्जी खिलाए, घर में तो लौकी चलता है, अब गेस्ट लोग को क्या खिलाए। खा के जाएंगे तो फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या बनाया क्या नहीं। मे बी आपको व्लॉग दिखा भी सकते हैं कि क्या बनाया, नहीं तो फिर झटपट बनाऊँ तो व्लॉग कैसे बनाऊँगी, फिर भी देख लेते हैं। गुड इवनिंग, शाम के 5:30 हो रहे हैं। सब्जी साफ करके, मटर छील के और पत्ता जो पत्ते वाली सब्जी थी जैसे मेथी हुआ, धनिया हुआ, पालक हुआ, ये सब साफ करके और मटर छील के सबको अपने अपने जगह पे सेट कर दिया। उसके बाद फिर ना बैक पेन होने लगा था क्योंकि कंटिन्यू बैठना पड़ा, बैठ के किया तो करके फटाफट सोने चले गई थी। बर्तन नहीं धोए थे, 2-3 बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन तो हाथों हाथ हम धो दिए थे। बस वो खाने की थाली है, कटोरी ग्लास यही है, तो वो भी जाके धोऊंगी। और इनके फ्रेंड आए हैं, वो लोग डायरेक्ट छत पे गए हैं तो इनका फ़ोन आया था, तब वो लोग आएंगे, तब चाय वाय का इंतज़ाम करेंगे, नाश्ता का इंतज़ाम करेंगे। अगर खाना खा के जाएंगे तो फिर उसका भी प्रिपरेशन करेंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। अभी वो लोग छत पे हैं, तब तक मेरी बर्तन जो है थोड़ी सी वो धो लेते हैं, फिर हम अपने लिए अभी चाय बना के पी लेते हैं। ये लोग आएंगे तब फिर चाय बनाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा इन लोग को आने में, अंधेरा होगा तभी आएंगे। तब तक हम एक तरफ अपना चाय रख लेते हैं और फिर अरे यार फैन ऑन कर देते हैं बार बार ठंडी में, और फैन लाइट ही नहीं है, हम क्यों फैन ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये वाले एरिया में ना इतने पोर्शन में जनरेटर का कनेक्शन नहीं है, किचन से लेके वो वॉशिंग मशीन जहाँ रहता वहाँ बेकार हम चालू कर रहे थे। कोई नहीं, अभी जाके फटाफट बर्तन धोती हूँ और अपने लिए चाय यहाँ रखती हूँ। देखो ठंडी लग रही है, बाहर हवा चल रहा है ना, इसी तो शॉल लिया है, हाफ जैकेट पहन लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, बाद में शॉल लेंगे। ठंडी हवा से ना और ये हो जाता है हाथ पैर में खींच, मतलब वो ड्राइनेस हो जाता है और फिर वो और खींचने लगता है। सो इस वजह से मेरे को तो काफ़ी बहुत ठंड लगती है, हवा चल रहा है तो भी नहीं चलता है, और ऐसे नॉर्मल ठंड रहे तो भी, क्योंकि हम यूपी बिहार के पर्सन हैं और आप लोग जानते हैं, अगर यूपी बिहार में जो हैं वो जानते हैं कि कितनी ठंड होती है यूपी बिहार में, और अभी तो कड़ाके की इस बार ठंड पड़ रही है। मेरे लिए तो वहाँ जब हम शादी से पहले जब वहाँ मायके में हम रहते थे तो हम तो ठंडी में तो अपने
रजाई से निकलते ही नहीं थे। मम्मी बेचारी बुला बुला के खाली खाने और नहाने के लिए निकलते थे, बाकी तो उसी में पैक। स्कूल गए, स्कूल से आए, स्कूल में तो क्या ना धूप रहता था तो क्लासेस टीचर लोग क्या करती थी कि ग्राउंड में ले लेती थी। लिखवाना होता था तो रूम में, नहीं तो ओरल वगैरह कुछ भी करवाना होता था तो वो ग्राउंड में चलो धूप में बैठ के करेंगे। तो अभी तो क्या है ना, भूख लग रही है, चलिए जाने दीजिए, अभी चलेगा, चाय बनाती हूँ और साथ में बर्तन धो के फिर पूछती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाएं, फ़ोन करके मेरे हस्बैंड से। चाय बनाएंगे उन लोगों के लिए, अभी क्या बनाएं कि बाहर से ऑर्डर करेंगे वो सब इनको पता होगा। चलिए मैं चली बनाने चना दाल और लौकी आलू की सब्जी। हाँ, ये प्रिपरेशन है, प्याज काट लिया, मिर्ची आलू लौकी धो के काट लिया, ये चना दाल फुला दिया था, अब इसको छान के बनाएंगे। सिंपल सब्जी फटाफट बन जाएगा। टमाटर अभी काटना बाकी है, टमाटर काट के रेडी, फटाफट मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी फटाफट, कुकर में झटपट बन जाएगा। तेल गरम करने रख दिया है, थोड़ा सा जीरा, राई हो गया, जीरा काला हो गया, अब इसमें तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं। सिंपल बनाएंगे सिंपल तरीके से, और हींग डाल दिए हैं। हींग डालने के बाद टमाटर काट ले, धीमा धीमा काट लो, लाइट आके आधा घंटा हुआ ना, नहीं 15 मिनट, वो फटाफट थोड़ा मोटा मोटा प्याज टमाटर काट लेंगे, जिससे कि आराम से ऐसे भी मेल्टी हो जाने वाला है, बारीक नहीं है मोटा मोटा। प्याज ला लेंगे, अब इसमें चना दाल पहले डाल देंगे, फ्राई करेंगे। चना ना पहले से धो के सोक कर दिया था, डुबो के रख दिया था। टमाटर डाल दिए,
अभी इसमें नमक डाल दिए अंडा के। थोड़ा देर इसको ढाँक देंगे ताकि टमाटर गल जाए, फिर सारे मसाला डालेंगे। टमाटर गल गया है और इसमें मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च थोड़ा सा डाल देते हैं कलर आएगा। धनिया पाउडर, अच्छे से मिलाएंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अभी सारा आलू और लौकी की सब्जी डाल के, अभी नमक डालना बाकी है नहीं, सब डाल दिए। नमक वमक पहले से डाल दिए थे, अब इसको अच्छे से चलाएंगे, सारा मसाला इकसार हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा देर उसको ढक देंगे कुकर को एक ढक्कन से, ताकि नमक की वजह से पानी छोड़ दे। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 सीटी लगा देंगे। सब्जी रेडी, धनिया पत्ती डाल के सर्व कर देंगे और गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ खाइए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, पानी डाल दिए। अब थोड़ा एक खोल उठेगा, मीन्स एक उबाल आएगा, तब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। उसके बाद 3 से 4 सीटी में, 2 सीटी तेज और 2 से 3 सीटी क्योंकि चना दाल है तो उसमें सिम में सीटी लगवाएंगे, और उसके बाद गरम गरम रोटी या पराठा के साथ सर्व करना है। मेरा डिनर रेडी, रोटी, सलाद और सब्जी। अब खाते हैं, इंजॉय करते हैं। चलिए खाना तो हो गया, अब थोड़ा सा काम भी निपट गया, अब थोड़ा सा बैठ के काम की बातें करूं। आज का दिन तो पार, अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारा काम कंप्लीट हो गया। अब बस थोड़ा सा दवाई खाने का, आधे घंटे के बाद दवाई खाऊंगी, उसके बाद सो जाऊंगी, क्योंकि कल मेरे को अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तक ब्लड टेस्ट के लिए जाना है। आज तो नहीं जा पाए थे बट कल जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या रिपोर्ट आता है आपको बताते हैं। चलिए गुड नाइट। आप सबसे आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।